से आई कैंडल मार्च निकाली गई। ये जम्मू बार एसोसिएशन की तरफ से कैंडल मार्च है। हमने पहले भी जम्मू की सिविल सोसाइटी के साथ बात करके और जो हमारी एनजीओज हैं या हमारे जो यहाँ सिविल सोसाइटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनके साथ बात करके हमने 29 तारीख के लिए बंद रखा हुआ जम्मू। और मैं अपने जम्मू के सभी वासियों से, ट्रेडर से, एसोसिएशन से, दूसरे जो लोग हैं सिविल सोसाइटी के, एनजीओज जो हमारी सपोर्ट में हैं, उनका हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये बंद चल रहा है, जो स्ट्राइक चल रही है वकीलों की काफ़ी दिनों से, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए चल रही है। हमारी लड़ाई ये है कि कोर्ट के प्रमिसेस में ही सारी चीज़ें बनाई जाएं, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह अपने काम के लिए ना जाना पड़े। जब एप्रोकेशन हुई थी आर्टिकल 370 की, तो उसके बाद हमारे साथ गवर्नमेंट ने ये वायदा किया था, ये अश्योरेंस दी थी कि हम एक ही कम्प्लेक्स में सारे लोगों को जो कोर्ट्स हैं वो इकट्ठे करेंगे, उसमें चाहे कैट हो, रेवेन्यू के कोर्ट्स हो, या दूसरी फॉर्म्स हो, या दूसरे और भी कोर्ट्स हों। देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी कोर्ट में है वो इस वक्त कोर्ट प्रमिसेस में पार्किंग की है। जब गवर्नमेंट ने हमारे साथ वायदा किया कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी, तो उस बात को आज 3 साल हो गए हैं, आज अभी तक वहाँ पर मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है उसका काम नहीं चला। तो हम जम्मू के लोगों के लिए, जितने भी हमारे जम्मू के लोग हैं, उनके लिए बार एसोसिएशन जो है वो लड़ाई लड़ रही है। और जम्मू के लोग, हमें इस बात का बड़ा फख्र है कि जम्मू के लोग जो हैं वो हमारे साथ पूरा साथ दे रहे हैं। और मैं जम्मू के लोगों से अपील भी करता हूं 29 को वो अपना पूरा बंद रखें, 29 अगस्त को। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू के तमाम जो ट्रेडर्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, वो सारे जो लोग हैं वो जम्मू को बंद करवाने में हमारी मदद करेंगे। और कामयाब बंद जो है, मैं समझता हूँ कि होगा। तमाम लोगों की मदद से शुक्रिया।